everyone, I'm Saima and welcome to my food channel, The Foodie Soul by Saima. Today we are going to see a very different recipe, that is Japanese fried rice with omelette. But मैंने यहाँ पे एक twist दिया है, मैंने एक Indian fusion दिया है, तो मैंने इसका नाम Japanese छुपा रुस्तम रखा है. क्योंकि जो डिश हम बनाने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी. हम पहले एक राइस बनाएंगे और उसको ऑमलेट में छुपा देंगे. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन अ नेम छुपा रुस्तम. एन ऑमलेट रैप्ड अराउंड फ्राइड राइस एंड टॉप विद केचप, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन जैपनीज कुजीन. सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल्सो नोन एज ओमुराइस और जैपनीज फ्राइड राइस विद ऑमलेट. लेट्स मेक इट. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैंने एक चाइनीज वोक लिया, यानी चाइनीज कढ़ाई लिया. आप कोई भी नॉर्मल कढ़ाई भी घर में ले सकते हैं. इस तरह से मैंने चाइनीज वोक लिया है और इसमें एक बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल और एक बड़ा चम्मच मैंने मक्खन यानी बटर डाला है और इसको गरम करेंगे. गरम करने के बाद हम एक बड़ा चम्मच कटा हुआ बारीक लहसुन डालेंगे इसमें. मैंने लहसुन को अच्छे से चॉप करके इसमें डाला है और मैंने यहाँ पर डाला है करीब 300 ग्राम चिकन, जिनको मैंने छोटे छोटे स्लाइस में कर लिया है, डाइस में कर लिया है. इस तरह से हम बोनलेस चिकन डालेंगे इसमें, चिकन के पीसेस, और इसको भी फ्राई करेंगे. तब तक इसे फ्राई करेंगे जब तक चिकन के पीसेस का कलर चेंज ना हो जाए. इस तरह से देखिए हमारे चिकन के पीसेस का कलर चेंज होने लगा है और इसको हम फ्राई करेंगे. अब मैंने डाला यहाँ पर 1 teaspoon नमक. नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. 1 छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर. ये मैंने होममेड बनाया है. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी रेसिपी दूंगी. 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 1/2 teaspoon व्हाइट पेपर. इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है. फ्राई करेंगे इस तरह से और अब हम डालेंगे इसमें अजीनोमोटो यानी MSG सॉल्ट. 1/4 teaspoon MSG सॉल्ट. 2 बड़े चम्मच हॉट चिली सॉस डाला है मैंने, जो सबसे तेज मिर्ची का सॉस होता है, चाइनीज में आता है, हॉट चिली सॉस मैंने डाला. 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डाला और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. और अब मैंने डाला 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस या केचप, उसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे. अच्छे से हम मिक्स करना है ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और इनको चलाते रहना है. ध्यान रखिएगा चिकन हमारा अंदर से कुक हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है. और अब हम कुछ हरी सब्जियां डालेंगे इसमें, जैसे कि शिमला मिर्च. मैंने यहाँ पे 1 शिमला मिर्च डाला है मीडियम साइज़ की, 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिनको मैंने स्क्वायर में काट लिया है, चौकोर टुकड़ों में काट लिया है. 1 टमाटर जिसका मैंने बीज निकाल कर स्क्वायर शेप में कट कर लिया और उसमें ऐड किया. इसको भी हम चलाएंगे अच्छे से. ध्यान रखिएगा सब्जियां हमारी गली नहीं चाहिए. और इसमें मैंने डाला 1 कप बॉयल कॉर्न, यानी मैंने कॉर्न को, स्वीट कॉर्न लिया है यहाँ पर, उसको बॉयल करके इसमें ऐड किया. इसको भी हम चलाएंगे. चिकन को आप चेक कर लीजिएगा, आपका चिकन बिल्कुल गल जाना चाहिए, पक जाना चाहिए. और अब मैंने डाला इसमें बॉयल्ड राइस. मैंने करीब 250 ग्राम यानी 2 कप बॉयल्ड राइस यानी राइस को बॉयल कर लिया है. ये मैंने बिरयानी वाला राइस लिया है और राइस को बॉयल कर करके हम इसमें ऐड करेंगे. बॉयल करके मैंने राइस को ठंडा कर लिया था और फिर अपने चिकन वाले मिक्सचर में इसको इस तरह से डाल करके हम अच्छे से चलाएंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं. एक नाइस मिक्सिंग देंगे ताकि हमारे सारी चावल और सारी सब्जियां अच्छे से पक जाएं. और अब मैंने ऊपर से डाला स्प्रिंग अनियंस यानी हरी प्याज के पत्ते और इसको भी हम डालकर चलाएंगे. हमारा राइस ऑलमोस्ट डन है और इस तरह से हमारा छुपा रुस्तम राइस रेडी हो रहा है. अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप, जहां पे हम ऑमलेट बनाएंगे. तो मैंने ऑमलेट बनाने के लिए 3 अंडे लिए हैं और 3 अंडों को मैंने ब्रेक कर लिया है. इस तरह से हम एग्स को ब्रेक कर लेंगे और उसको विस्क करेंगे. तो मैंने एक बोल में 3 अंडे लिए हैं और थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी भर मैंने येलो फूड कलर डाला है और 1/4 teaspoon नमक. और इन दोनों चीज़ों को हम डाल करके एग को विस्क कर लिया है.
और एक पैन में मैंने एक छोटा चम्मच ऑयल डाला और उस पर हम अपने एग वाले मिक्सचर को डालेंगे, पोर करेंगे इस तरह से। और ध्यान रखिएगा, बहुत संभाल कर आपको इस ऑमलेट को बनाना है। ये ऑमलेट कहीं से भी बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए हम ऑमलेट बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा ऑमलेट चारों तरफ से उसकी जो परत होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, पतला या मोटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम पैन को घुमा करके अंडे को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे, ताकि हमारा एग का ऑमलेट सही से बन सके। इस तरह से हमें ऑमलेट तैयार करना है। ध्यान रखिएगा जब वो एक साइड से पक जाएगा तभी हम इसको निकालेंगे। और सबसे पहले हम करेंगे क्या, सारी साइड से हम इसको इक्वली निकाल लेंगे, ताकि ये कहीं से भी चिपक कर टूटे ना। इस तरह से हम चारों साइड से इसको अच्छे से पहले निकाल लेंगे और उसके बाद इसको टर्न दे देंगे। देखिए हमारा ऑमलेट बिना टूटे पलट गया है। और अब मैंने लिया एक कांच का बोल, आप कोई भी बोल ले सकते हैं। और इस ऑमलेट को हम अपने कांच के बोल में बहुत ही आराम से इस तरह से रखेंगे और उसमें डालेंगे अपना राइस जो मैंने चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाया है। और इस तरह से हम इसको सेट करेंगे अपने ऑमलेट के अंदर और इसको ऊपर से ढक देंगे। ऑमलेट से हम जो ऑमलेट हमारा नीचे साइड पे गिरा हुआ था इस तरह से उसको ढक देंगे फोल्ड करके, और संभाल कर इस बोल को हम पलट देंगे, टर्न कर देंगे। इस तरह से हमने बोल को टर्न कर दिया है। ये देखिए हमारा ऑमलेट के अंदर राइस है और ये पूरा अच्छे से हमें कवर करके इस तरह से अब हम करेंगे गार्निशिंग। तो मैंने ऊपर से कुछ सॉस से गार्निशिंग की है, कुछ स्प्रिंकल किया है स्प्रिंग अनियन से। तो इस तरह से हमारा जैपनीज छुपा रुस्तम सर्व के लिए रेडी है ना ये मज़ेदार रेसिपी। तो अब हो जाए इसको टेस्ट करना। अब मैं फटाफट इसको टेस्ट करूंगी। मैंने एग को कट किया और देखिए उसमें से राइस निकला। क्या शानदार, क्या सरप्राइज तरीका है इस डिश का। वाओ, इट्स सुपर डुपर डिश। सो फ्रेंड्स, इस वीकेंड पे इसको आप जरूर ट्राई करिएगा। इफ यू हैव लाइक्ड माय रेसिपीज प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द फूडी सोल बाय साइमा। इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, मेक श्योर क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड व्हेन न्यू वीडियो रेसिपीज आर रिलीज्ड। Thanks for watching. Bye-bye. Take care.